इसी बात पे तुम लोग हमारे यहाँ कोचिंग आ सकते हो। हम लोग ये नहीं कह रहे कि तुम सिर्फ हमारे यहाँ ही ट्यूशन आ सकते हो, किसी और के यहाँ जाओगे तो हम उसको मार डालेंगे एकदम से। तो तुम लोग आओगे कि नहीं हमारे यहाँ कोचिंग है? आओगे कि नहीं है? आओगे कि नहीं है? आओगे कि नहीं? अरे वाह सर सर, आपके पास ही आएंगे, आपके पास ही आएंगे, आपसे अच्छा कोई पढ़ाई नहीं सकता इस पूरी दुनिया में। तो आ गए फिर से। तो जब हमारी 9th क्लास की फाइनल एग्जाम का लास्ट डे था, हम सब लोग अलग ही खुशियां मना रहे थे। अरे गुड बाय यार, गुड बाय, अब तो छुट्टियों के बाद ही मिलेंगे, बाय बाय छुट्टियां छुट्टियां। पर अफसोस। हाँ तो बच्चों, बाय सर, बाय बाय सर, अब तो छुट्टियों के बाद मिलेंगे, गुड बाय सर, गुड बाय। अरे पहले मेरी बात सुनो। क्या बेकूफ आदमी है यार ये। हाँ है ही सही, वो तो। हाँ तो बच्चों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज, गुड न्यूज। हाँ तो तुम सब अब 10वीं क्लास में जाने वाले हो, और 10वीं मतलब बोर्ड, मतलब कि आपको बोर्ड पे चढ़ के एग्जाम देनी पड़ेगी, और हर कोई ऐसे बोर्ड पे चढ़ के एग्जाम नहीं दे सकता है। लग गई। तो यहाँ हम आपको स्पेशल ट्रेनिंग देंगे बोर्ड पे चढ़ने की। गुड न्यूज ये है कि हाँ गुड न्यूज ये है कि हाँ आपके कल से स्कूल चालू हो रहे, और सभी बच्चों को आना कंबलसरी है, कंबलसरी है, कंबलसरी है। क्या? मैं जा रहा हूँ, मुझे मार दो, मार दो, भागो यहाँ से, जान बचाओ सब। टीनेज में बच्चों को नया नया बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक चढ़ता है, पता है। कुछ बच्चे तो अलग ही पहलवानी करने आ जाते हैं हमारे स्कूल में। नहीं नहीं, उनकी बॉडी वगैरह कुछ होती नहीं है, वो लोग अपनी साइज से 10 गुना छोटा शर्ट पहन के आ जाते हैं, वो भी शान से, कोई शर्म नाम की चीज नहीं होती थी उनके मन में। बेटा स्कूल यूनिफॉर्म की जगह अपनी मम्मी का ब्लाउज पहन के नहीं आ सकते हो तुम स्कूल में? नहीं नहीं सर, वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, बस जरा सा छोटा पड़ा है, बस जरा सा। ये लोग अपनी पूरी स्कूल लाइफ में एक ही शर्ट चलाते हैं फ्रॉम नर्सरी टू 12th। और तो और पता नहीं क्यों हमारे स्कूल में सारे नमूने भरे पड़े थे। मैं आराम से मूत रहा हूँ और ये लोग बेसिन पे लटक लटक के आहू कर रहे हैं। एक दो, नहीं क्या ही मजबूरी रही होगी इन लोगों की, जो इनको वॉशरूम में आके ये सब काम करने पड़ रहे हैं। इंजीनियर्स, छोड़ो ये तो बेचारे बेरोजगार होते हैं, ये किसी को लूटते नहीं है, खुद ही लूटा जाते कॉलेज की फीस भर भर के। सर सर, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आया हूँ, मेरे 12th में 99.99% कीटाणु का सफाया भी करा था डेटॉल पीपी के। बेटा पर अफसोस, सीट बिल्कुल खाली है ही नहीं, मैं चाह कर भी तुम्हें सीट नहीं दे सकता, देखो मैं चाह भी रहा हूँ। पैसे निकाल। सर एडमिशन चाहिए मेरे को, 12वीं फेल हूँ। अरे सर मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैंने स्कूल में चालू करा धंधा, मैं स्कूल में 100-100 रुपए में स्केचेस बनाया करता था। बिजनेसमैन हार्डी इन द हाउस। लेकिन इसमें लड़कियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट होता था, डिपेंड्स ऑन कि लड़की की शक्ल कैसी है। हार्डी, ये आलिया भट्ट का स्केच बना देना यार। इधर इधर शक्ल दिखाओ। ठीक है 80 में बन जाएगी, 80 में। तो अपना धंधा एकदम मस्त चला, पता है भाई साहब, लमसम पैसा आ रहा है, लमसम मतलब महीने के 200-200 रुपए आ रहे हैं अपनी जेब में। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इतना पैसा रखूं तो रखूं कहां। लेकिन मेरे हराम खोर दोस्तों से मेरी खुशी देखी नहीं गई, ये लो आके बोलते बेच तो स्केच ही रहा है, इसकी जगह अपन फोटोकॉपी करा लो, 2 रुपए में ही काम हो जाएगा, है के नहीं? हाँ हाँ सही बात। ये लोगों ने ऐसी हरकतें कर करके मेरा धंधा ठप करा दिया। पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं, और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है, फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ, जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। देख भाई देख, तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत लाया कर, 5-5 के 2 लेके आया कर, इसमें ज्यादा आती है, अपन को फायदा होता है। उसी तरह तू ये 5-स्टार मत खरीदा कर, 5 की, ये 5 की पर्क लेके आया कर, बड़ी आती है, पेट भरता है। सुन रहा है तू मेरी बात भी? सुन रहा है? ओए हाँ। और देख, अपन ना कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये एक एक वाली कॉफी बाइट खा लेंगे, तो इसमें अपना दूध और कॉफी दोनों का पैसा बच जाए। लोगों ने सोचा कि कुछ खरीदारी कर लेते हैं, घूमने जा रहे हैं तो एक बात से इस पूरे ब्रह्मांड के प्राणी एग्री करेंगे कि नहीं आती लॉन्डो को खरीदारी करना, ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। फिर भी जाएंगे ऐसी चौड़ में के रोज का काम है इनका। अरे बहुत महंगा, अरे महंगा सामान, अरे बहुत महंगा सामान, अरे बापरे।
लुटेरे लुटेरे एक नंबर के। और ये आदमी ने ऐसी हरकत करी ना, ठेठ माँ दूर जाके चिल्ला रहा है, ए हाड़ी सुनना, वो लेटरिन के हाथ धोने का आता है ना पुचुक पुचुक, वो किधर मिलता है बताना, बता नहीं रहा मतलब। एट द एंड हम लोग पूरे 5 क्लिनिक प्लस शैम्पू के पाउच लेके आए। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि मैं शुरुआत से ही काफी ब्रिलियंट और एक्टिव स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मुझे हर बार मेरी क्लास का सम्मानित नील चेक मॉनिटर बनाया जाता था। काफी इंटरेस्टिंग काम होता है ये, इसके अंदर तुमको हर बच्चे की प्लेस पे जाके उसके नेल्स चेक करना पड़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ए छगन क्या है ये? अरे भाई वो क्या कान साफ करना रहते ना यार, ये रात तो मैम को बतानी पड़ेगी। का है नहीं, मेरे नेल्स ही नहीं है, मेरी तो उंगलियां भी नहीं है देख। वेरी इंटरेस्टिंग। कई सारे लोगों के दाढ़ी मुंह चुगने लग जाती है, कई लोगों की बहुत ज्यादा, तो कई लोगों की उगती ही नहीं है। मेरो यार। बेटा तुम्हारी तीसरी दाढ़ी कैसे उग गई? मैम वो अपना मैम सही में अपना वो मैम वो मैंने अपने पापा का रिजल्ट लिया था और पूरे मुंह पे फेर लिया था। ठीक है फिर झूठ। तो पता नहीं क्यों इस एज में तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारा साथ नहीं देता है। ठीक है तो मुझे अब दूध को देखते रहना है। अरे यार ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यार बिल्कुल, मतलब कि पूरी दुनिया का टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ अब इस दुनिया में किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अरे थैंक्स थैंक्स थैंक्स, मुझे इतना वो नहीं चाहिए। ये तो ओपन किया, अब इसको साफ करने में अलग से टाइम जाएगा, पर अपने को तो टाइम बचाना है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, इसलिए इसको टाइम मैनेजमेंट स्किल बोलते हैं। ये कोई किसी को बताता नहीं है, पर मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरी निस्वार्थ सेवा है तुम लोगों के लिए। में जब तुम्हारा जन्मदिन मनाते तब पूरी कॉलोनी के बच्चे इकट्ठे हो जाते तुम्हारे घर पे, जिनको तुमने नहीं बुलाया वो भी तुम्हारे घर के बाहर आके, ए हार्डी तू हमको बुलाने ही भूल गया था। अच्छा ठीक है अगली बार से याद रखूंगा, तुम्हारे घर पे आके और मना बोल के जाऊंगा कि मत आना। ये लो आ क्या केक। ये पर ये सा अजीब सा क्यों दिख रहा है? क्योंकि पार्ले जी बिस्किट का केक है। यार ये सेलो टेप का मुंह ही नहीं मिल रहा है मेरे को। कैसा लग रहा है? मस्त है मस्त। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि यूट्यूबर तो भाई साहब पैसा कमा रहे करोड़पति आदमी। नहीं लेट मी क्लियर कि यूट्यूब अमेरिका का दलाल है। ठीक है भाई आपने लाइव वीडियो पे 1,00,000 व्यूज हो गए। क्या? अरे का वीडियो का सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे वाह, अरे चिंटू मिंटू टिंकू मिंटू छोटू मोटू लोटू गोटू सब आ जाओ, आज तो पार्टी होगी। बाकी ये यूट्यूब वाले शायद 4-5 0 लगा था भूल गए। लग तो रहा है। मम्मा ये कॉपी किताबें ले जाके मैं जला रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई में कहीं नहीं रखा है, मैं तो यूट्यूबर बनूंगा बड़ा सारा। ये आपका बेटा तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था ना। जा रहा हूँ मैं। और आंटी जी ये जो आप चाय पी रहे हो ना, इसके अंदर मैं अंदर से थूक के आया हूँ, एक तो हाजमोला भी थूक दी थी मैंने उसमें। अरे पी लो मिक्स हो गया वो तो सब, खट्टा मीठा स्वाद आ जाएगा, पी जाओ गट गट। यूट्यूबर जिंदाबाद। और फिर मुझे बनाया गया डस्टर मॉनिटर, ये भी काफी रिस्पेक्टेड काम होता है, जिसमें तुम्हें छुट्टी होने के बाद अपनी क्लास का डस्टर सही सलामत घर ले जाना रहता है और अगले दिन उसी डस्टर को वापस से सही सलामत क्लासरूम में लाना रहता है। सिंपल। तो मैं डस्टर घर पे ले गया सही सलामत और एक हफ्ते की छुट्टी मनाने चला गया। बेचारे उन लोगों ने हफ्ते भर तक कागज से बोर्ड रफ किया था। और फिर जब मैं एक हफ्ते बाद स्कूल गया, मैम ये लो डस्टर। अरे वाह बेटा थैंक यू मैम। स्कूल प्रेयर में ज्यादातर लोग सिर्फ मुंह ही हिलाते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ लेजेंडरी लोग होते हैं जो कि मुंह भी ठीक से नहीं हिला पाते हैं। मेरी तरह खा पी के हाथ धोने के लिए गए और शीला के घर पे लिक्विड हैंड वॉश था। पूछो मेरी मम्मी जब नहाने का साबुन खत्म होने वाला रहता है ना, तब उसको दूसरे साबुन से चिपका चिपका के एक नया साबुन बना देती है। फिर हम चारों घर पे जाके, भाई औकात से बाहर की लगी मेरे को तो। भाई उसका घर देख के मालूम नहीं पड़ा क्या तुमको? 2 मंजिला घर है उसका। तो अपना भी तो 2 मंजिला ही है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ है, पर अपन किराए से रहते हैं यहाँ पे। हाँ वही कह रहा था मैं। अरे तो खरीद लेंगे बड़े होके। वैसे एक बात बोलूं,
उसकी मम्मी भी कुछ बुरी नहीं है। इसका दिमाग अलग ही लेवल पे चल रहा है। अरे मतलब वो एडवर्टाइज नहीं आता अपना? अरे इतने सारे लाइक्स पर मैंने तो ना कोई पोस्ट किया ना कुछ, पर मम्मी हमने ये लाइक्स खरीदे है ना। एक झलक दिख जाए पियर्स महल नो मेकअप ग्लो जो आपकी स्किन को बनाए रफ एंड टफ बिल्कुल भैंस जैसी। वो वाला एड में आती थी इसकी मम्मी।